हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोगों को ये पता है कि अगर हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं, जिसको हम LN से डिनोट करते हैं, और वैसे हम बुक्स के अंदर इसको लॉग से डिनोट कर लेते हैं कि लॉग ऑफ ई टू दी पावर एफ एक्स है, वो एफ एक्स होता है जब एफ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जो फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम क्या करते हैं, log of e to the power f x को fs लिखते हैं। लेकिन क्या डियर स्टूडेंट्स आपको log जीरो का पता है क्या वैल्यू होती है, log इंफिनिटी का पता है क्या वैल्यू होती है? तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को या बच्चों को नहीं पता होता है कि log जीरो की वैल्यू क्या होती है, log इंफिनिटी क्या होता है। हाँ, उनको ये पता है कि log वन है, वो हमारे पास जीरो होता है। अगर बेस हम टेन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लॉग टेन आपको पता है, अगर हमारे पास बेस टेन होगा तो उसकी वैल्यू वन होती है। लेकिन समस्या कहां आती है कि जब बच्चों से पूछा जाए डू यू नो द वैल्यू ऑफ लॉग जीरो और लॉग इंफिनिटी, तो बच्चों को इन दोनों के आंसर्स का नहीं पता होता है। तो इसको मैं आपको ना, जैसे लॉग जीरो की पहले हम बात करें, ये होती है माइनस इंफिनिटी और लॉग इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, दोनों ही अनडिफाइंड होते हैं। लॉग जीरो एंड लॉग इंफिनिटी बोथ आर अनडिफाइंड। तो मैं थोड़ा सा इसको एक अलग वे से मैथमेटिकली हल्की सी उसमें वो है प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बच्चे इन दोनों वैल्यूज को याद रख सकते हैं कि हम इन दोनों वैल्यूज को कैसे याद रखते हैं। तो मेरा आज का ये जो छोटा सा वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ इसीलिए है कि आप ये दो वैल्यू याद रख सको, लॉग जीरो और लॉग इंफिनिटी। तो ये देखो, आपको ये पता है कि ई की पावर जीरो है, ये वन होता है। ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होती है, और e की पावर इंफिनिटी क्या होती है, हमारे पास इंफिनिटी होती है। ये तीन वैल्यू आपके पास हैं, e की पावर जीरो वन होती है, e की माइनस इंफिनिटी जीरो, e टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इधर राइट साइड वैल्यू का लॉग लेना है, जो राइट साइड में वैल्यू उसका क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, और इसका जो आंसर आएगा ये आपके पास इसकी पावर आ जाएगी। तो लॉग वन क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से हम क्या करेंगे, इस लॉग जीरो लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये माइनस इंफिनिटी। आप इधर से लेके चलोगे तो लॉग इंफिनिटी क्या आएगा, हमारे पास इंफिनिटी क्या आएगा, इंफिनिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आप ये देखते हो, इधर ई की पावर जीरो वन है तो हमने लॉग वन लिया तो जीरो आ गया, इधर से जीरो है तो लॉग जीरो कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा, और लॉग इंफिनिटी आएगा वो इंफिनिटी आएगा। अब मैथमेटिकली प्रॉब्लम कहां आती है, क्योंकि हमने कहा था कि जो एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस केस में इसलिए हम क्या कहेंगे यहां पे कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए यहां पे अगर आप लॉग अप्लाई करोगे दोनों साइड तो यहां पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को नहीं याद होता है तो कई बार बड़ी वैसी थोड़ी सी मैथ से हटके ट्रिक उनको बताई जाती है। तो ये दो वैल्यू आप इससे याद रख सकते हो कि लॉग जीरो की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है और लॉग इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यू आप जरूर ध्यान रखो, ये आपके इन फ्यूचर भी काम आएंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।